महान लोग महान क्यों कहलाते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। आप सभी नेल्सन मंडेला को तो जानते ही होंगे। जब नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तो एक दिन वह बाहर रेस्टोरेंट में लंच करने गए। उनके साथ उनके काफी सारे बॉडीगार्ड भी साथ में रेस्टोरेंट गए, क्योंकि एक राष्ट्रपति किसी भी देश का सबसे ताकतवर इंसान होता है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए भी काफी सारे सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं। अभी सब लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और अपना खाना आने का इंतजार कर रहे थे। नेल्सन मंडेला ने देखा कुछ दूरी पर एक और आदमी अपना खाना आने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने गार्ड्स को बोला, उस आदमी को यहाँ बुलाओ और हमारे साथ खाना खाने बोलो। वो आदमी मंडेला के टेबल पर आया और सभी लोग मिलकर खाना खाने लगे। जैसे ही खाना खत्म हुआ, वो आदमी बिना कुछ बोले अपना सर झुकाकर फटाफट वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद मंडेला की गार्ड ने मंडेला को बोला, खाना खाते समय उस आदमी का हाथ कांप रहा था, शायद उसकी तबीयत खराब थी। अब सुनिए मंडेला ने क्या कहा। नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल वो आदमी जिस जेल में मुझे कैद करके रखा गया था उस जेल का जेलर था। वो मुझे जेल में बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था। जब मैं मार खाकर थक जाता था और उस जेलर से पीने के लिए पानी मांगता था तो जेलर मेरे मुंह में पेशाब कर देता था। अभी मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ, उसने सोचा होगा जैसा उसने मेरे साथ जेल में किया होगा वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा। इसी वजह के कारण खाना खाते समय उस आदमी का हाथ कांप रहा था। मंडेला ने आगे बोला, मैं बदला लेने में विश्वास नहीं करता, वो मेरा नेचर नहीं है। आपको ये लाइन सुनकर कैसा लगा? अगर आप नेल्सन मंडेला की जगह पे होते और आपको इतना टॉर्चर किया गया होता तो आप क्या करते? इसके अलावा अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।